So let us start with the last topic of friction, methods to reduce friction. Methods to reduce friction. Wherever friction is not desirable, where it is an evil, there we want the friction to be less. So how can we minimize, how can we reduce the force of friction? So there are some methods: oiling, painting, greasing, lubricating, both are generally here. Powder, using powder. तो ये चीजें तो सिंपली क्या करती हैं, दे फिल द इररेगुलरिटीज एंड मेक द सरफेस स्मूदर, सो फ्रिक्शन इज रिड्यूस. सेम वे पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड, तो पाउडर जो इररेगुलरिटीज को फिल करके थोड़ा सा स्मूथ बना देता है कैरम बोर्ड को, तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है. ठीक है, सो दीज आर द कॉमन मेथड्स. सम अदर मेथड्स आर बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स इन मशीन पार्ट्स, कॉमनली यूज्ड बॉल बियरिंग्स. अदरवाइज अगर कोई दो पार्ट स्लाइड कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारा फ्रिक्शन होगा, बट अगर उनके बीच में छोटी छोटी स्टील बॉल्स डाल दी जाए, बॉल बियरिंग्स डाल दी जाए, दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड हेंस फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो फ्रिक्शन हमारा काफी कम हो जाएगा उससे, राइट. नेक्स्ट है air as lubricant. air as a lubricant, kahan pe air as a lubricant kaam karta hai? Hovercraft, for example. Hovercraft dekha aapne, tanks aata hai, uske niche big black bladder hota hai, and it runs very fast, it doesn't touch with the ground. To wo ground ke sath touch nahi karta, to ek air ka cushion ban jata hai between that bladder and ground. और वो एयर का जो कुशन है, इट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट, एंड बिकॉज ऑफ विच फ्रिक्शन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. अगर वो जो हूवरक्राफ्ट है लैंड के साथ स्लाइड करके चलेगा, ड्रैग करके चलेगा, फिर तो बहुत सारा फ्रिक्शन होगा. तो ये इट फ्लाइज अबव द सरफेस, ग्राउंड से टच नहीं होता, तो एयर की एक लेयर बन जाती है जो उसको हेल्प करती है इन रनिंग वेरी फास्ट. सो हूवरक्राफ्ट में नोटेड डाउन, एयर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट. एग्जाम्पल है हूवरक्राफ्ट. नेक्स्ट है स्ट्रीम लाइनिंग. स्ट्रीम लाइनिंग क्या होती है? सपोज आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, मैं उसका ऐसे थ्रो करूं, कहां तक जाएगा? बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. बट आई मेक एन एरोप्लेन आउट ऑफ द सेम पेपर. अब उसी पेपर को अगर मैं शेप कर दूं, उसको स्ट्रीमलाइन कर दूं, और वो पेपर अगर मैं थ्रो करूं, तो वो क्लास के लास्ट बेंच पे पहुंच जाए. सो दैट मींस आई हैव स्ट्रीमलाइन्ड दैट पेपर, आई हैव शेप्ड द पेपर. तो अब उसका बहुत कम फ्रिक्शन वो एक्सपीरियंस कर रहा है व्हेन इट इज मूविंग थ्रू एयर और वाटर, या पे एयर में से. सो सेम वे द बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स, शिप्स, व्हीकल्स, दे आर ऑल्सो स्ट्रीमलाइन्ड. So as to cut friction when they move through air or water. So as to get the friction reduced when they move through air or water. The lick law streamlining kya hoti hai? Shaping the objects. Shaping the objects in order to reduce friction. Shaping the objects in order to reduce friction when they move through air or water. When they move through air or water. When they move through air or water. Is that clear? ठीक है,
तो ये हैं कुछ मेथड्स रिड्यूस करने के. सम सिचुएशंस आर देयर वेयर वी वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन आल्सो, वेयर वी सेड दैट इट इज डिजायरेबल, वेयर इट इज नेसेसरी. तो वहां पे हम चाहते हैं फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए. सो व्हाट आर द मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन. फर्स्ट इज मेकिंग द सोल्स ऑफ शूज रफ. शूज के जो सोल्स हैं वो डिजाइंड बनाए जाते हैं, उनपे नीचे डिजाइन क्यों होता है, उनको रफ बनाने के लिए, ताकि हम जब चलें तो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो एंड वी माइट नॉट स्लिप. ठीक है, सो सोल्स ऑफ शूज दे आर मेड रफ एंड डिजाइन. ठीक है, सेकेंड इज जो स्नो के ऊपर चलते हैं ना, आइस के ऊपर चलते हैं एथलीट्स वगैरह या जो भी लोग हैं वहां पे, कोई स्पोर्ट पर्सन है, तो दे वियर शूज विद लॉन्ग स्पाइक्स. उनके शूज पे तो बहुत ही रफनेस बढ़ाने के लिए लॉन्ग स्पाइकी शूज यूज करते हैं. देन टायर्स ऑफ व्हीकल्स, टायर्स ऑफ व्हीकल्स. अब उन्होंने तो रोड पे चलना है, बिल्कुल भी स्लिप होने का चांस नहीं होना चाहिए. तो टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर मेड रफ एंड कॉरुगेटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन. कॉरुगेटेड मतलब उनके ऊपर बहुत एक हैवी डिजाइन होता है प्रॉपर कॉरुगेटेड. ठीक है, सो टायर्स ऑफ व्हीकल्स दे आर मेड रफ एंड कॉरुगेटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन ऑन द रोड व्हेन दे मूव. ठीक है, थर्ड, सैंड इज स्प्रिंकल्ड ओवर स्नो. In ice cold countries where there is lot of snow itni slippery hoti hai, it is very difficult to walk and drive. So uske upar sand sprinkle karte hain to increase friction. Sand is sprinkled over snow to increase friction. Matchbox ka surface rough banaya jata hai to increase friction. Matchbox jo hai uski sides jo hain unko rough banaya jata hai to increase friction. Okay, right, clear. So ye ho gaya friction. Next is banking of roads. Banking of roads. अब बैंकिंग क्या होती है, पहले हम देखते हैं कि लेवल्ड रोड पे क्या प्रॉब्लम होती है. ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल्ड रोड. मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल्ड रोड. Motion of a vehicle on a leveled road. Circular turn है, leveled circular road. Circular turn पे problem आती है ना कि vehicle skid हो सकता है, slip हो सकता है, accident हो सकता है, तो circular turn की बात करें. So we are having a vehicle on a leveled road. What are various forces acting? Weight is acting in the downward direction. Normal reaction is perpendicular to this weight. And force of friction between tires and road that provides the centripetal force. So, sirf friction ke upar dependent rehna padta hai for taking a circular turn. Friction is the only source here to provide the necessary centripetal force. So, dekhte hain isse kya hota hai. Ab according to the diagram, R is equal to mg, and force of friction is centripetal force. Formula of centripetal force is एम बी स्क्वायर ओवर आर. ठीक है, डिवाइडिंग एफ ओवर आर, एम बी स्क्वायर ओवर आर ओवर एम जी. व्हाट इज रेशियो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो
So mu is v square over rg. From here, we get v square is equal to mu rg, or v is equal to under the root mu rg. So हमारी जो safe limit of speed है should be less than or equal to this. हमारी जो safe limit of speed है वो बहुत किसके ऊपर depend कर रही है? Mu, coefficient of friction between tires and road friction पे depend कर रही है, जो बहुत कम होता है. रेडियस ऑफ ट्रैक तो फिक्स है, आप उसका चेंज नहीं कर सकते. जी भी फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. इसका मतलब योर स्पीड ओनली इज डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्शन. और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर आप देखोगे ना बुक में न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज, तो 0.25, 0.4 ऐसी वैल्यूज दी हुई. तो काफी उसका भी आगे स्क्वायर रूट हो जाना और कम हो जाएगा. तो इतनी कम स्पीड से हम एक सर्कुलर टर्न को कट करें तभी हम बच सकते हैं. And sometimes it's not possible to reduce the speed. So we have to rely only and only on force of friction, coefficient of friction between the ground and tires of the vehicle. अगर वहाँ oil गिरा हो फिर क्या होगा? फिर तो friction almost zero हो जाए, तो फिर तो accident sure है. तो पहले से क्या arrangement उसके लिए करके रखना चाहिए कि friction zero भी हो जाए तो भी हम safe रहें, accident नहीं हो. So this is the need for banking. तो अगर नीड फॉर बैंकिंग पूछे तो ये आर्टिकल उसके सपोर्ट में दे सकते हो कि नाउ द सेफ लिमिट ऑफ स्पीड विल डिपेंड ओनली ऑन फ्रिक्शन विच इज नॉट अ रिलायबल फैक्टर, विच इज नॉट अ रिलायबल फैक्टर. सो देयर कम्स द नीड फॉर बैंकिंग. अब बैंकिंग का मतलब क्या है? रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड वाइल मैन्युफैक्चरिंग द रोड इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग ऑफ द व्हील. तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप देखते हो ना जो हाईवे होता है थोड़ा सा ये बाहर से ये रेज होता है, इधर अंदर की तरफ होता है, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए होता है. आउटर बैंक ऑफ रोड को बैंक किया जाता है, आउटर एज ऑफ रोड को किसी एंगल पे रखा जाता है, उसको बैंक किया जाता है. दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड. ठीक है, तो लिख लो डेफिनेशन बैंकिंग ऑफ रोड. रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड EDGE, raising the outer edge of roads to avoid skidding of vehicles, to avoid skidding of vehicles on a circular turn, to avoid skidding of vehicles on a circular turn. तो इसको कहते हैं banking of roads. अब देखते हैं कि जब रोड को बैंक कर दिया अब क्या होगा. लेट अस नाउ डिस्कस द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड. अब बैंक कर दिया हमने, so while manufacturing of the road the outer edge of the road is raised. So suppose angle of banking is theta, it is raised through an angle theta. Suppose so angle of banking is theta here. Pehla case ignore friction, pehle hum friction ignore kar rahe the. Agar friction bilkul bhi nahi hai tab bhi hum turn le lenge, dekho kaise safely. तो यहाँ पे आपका व्हीकल है, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, रिएक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड है, वेट तो वर्टिकल है पहले से, तो हम रिजोल्व करेंगे रिएक्शन जो इंक्लाइंड है उसी को रिजोल्व करेंगे. सो रिजोल्व इट इंटू टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स. अगर ये थीटा है तो आप देख सकते हैं ये भी थीटा होगा, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स. आप देख लो, चेक कर लो, तो ये एंगल भी थीटा होगा. सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? आर कॉस थीटा एंड दिस विल बी आर साइन थीटा. सो आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को. एंड सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है? Towards the center, कौन एक्ट कर रहा है? अलॉन्ग द रेडियस आर साइन थीटा. सो दिस इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल फोर्स.
आर साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर ओवर आर. डिवाइड दीज टू इक्वेशन. एम कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया टैन थीटा इज वी स्क्वायर ओवर आर जी. सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा. तो अब आर और जी तो वही है, फिक्स है, पर अब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ बेंकिंग पे स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी, और एंगल ऑफ बेंकिंग इज डिसाइडेड ऑलरेडी. वो पहले से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड कर लेते हैं कि ये इतना रखना चाहिए कि व्हीकल की स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर हो तो भी वो सेफली टर्न ले सके. तो वो इतनी कम वैल्यू नहीं होगी, वो ज्यादा ही होगी. तो देखो हमने फ्रिक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इवन देन वी आर एबल टू टेक द सर्कुलर टर्न सेफली. तो दिस इज बैंकिंग ऑफ फोर्स. सेकेंड केस में हम फ्रिक्शन को भी ले लेते हैं, अब फ्रिक्शन भी एड ऑन करेगा, दोनों चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी. अगर कुछ फ्रिक्शन भी होगा तो और हेल्प करेगा, हम और ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकेंगे. तो सेकंड केस है कंसिडरिंग फ्रिक्शन आल्सो, टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रिक्शन आल्सो, कंसिडरिंग फ्रिक्शन आल्सो. तो अब देखो, अब फ्रिक्शन भी ले लेते हैं बिटवीन द टायर्स एंड रोड. ये आपका फ्रिक्शन भी आ गया, फ्रिक्शन ऐड करना है, बाकी डायग्राम तो वही रहेगा. बना लो एक और. तो अब इसको फ्रिक्शन को रिजोल्व करते हैं इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि ये भी देख रहे हैं इंक्लाइंड है. तो लेट अस रिजोल्व फ्रिक्शन आल्सो इनटू टू पार्ट्स. अगर ये थीटा है तो ये अल्टरनेटिंग एंगल थीटा है, देखो इधर. अगर ये थीटा है तो ये थीटा है ध्रुव, ठीक है. तो ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा. तो इन एडिशन सेंट्रीपिटल फोर्स और मिलने लग गया, पहले यहीं से ही क्लियर हो रहा है, पर हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी. अब आर कॉस थीटा इज एम जी प्लस एफ साइन थीटा. ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. वन मोर कंपोनेंट विल गेट एडेड अप हियर. ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. एम वी स्क्वायर ओवर आर और एम जी बाहर निकाल के डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइडिंग यहाँ, तो यहाँ से एम जी बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन, और ये एम वी स्क्वायर ओवर आर तो ऑलरेडी है. ठीक है, सो लेट अस डिवाइड एम वी स्क्वायर ओवर आर ओवर एम जी. तो एम वी स्क्वायर ओवर आर इज आर साइन थीटा प्लस F cos theta and mg is R cos theta minus F sin theta. ये step clear है, ठीक है. बस वो mg बाहर निकालो, divide कर दिया. अब m gets cancelled, आपका v square over rg आ गया इधर. And on the right hand side we use a step to simplify. Divide numerator denominator by r cos theta. Divide numerator and denominator by r cos theta. हर टर्म को डिवाइड कर दो.
ये आ गया आपका वन, आर कट गया, कॉस थीटा कैंसल आउट वॉट एवर यू कैन. ठीक है, अब क्या बचा, वी स्क्वायर ओवर आर जी, साइन ओवर कॉस इज टेन थीटा, रेशियो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन इज म्यू, वन माइनस एफ ओवर आर इज म्यू, साइन ओवर कॉस इज टेन. So you have V is equal to under the root mu plus tan theta over 1 minus mu tan theta. So this is your safe limit of speed. अब दोनों चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, फ्रिक्शन भी और एंगल ऑफ बेंकिंग भी. अब दोनों एड ऑन कर जाएंगे और हम काफी ज्यादा स्पीड से भी अगर टर्न लें तो हम सेफ रहेंगे. ठीक है, और अगर हम म्यू को जीरो पुट कर दें, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, म्यू जीरो भी हो जाए, पुट म्यू इक्वल टू जीरो, क्या आएगा आपके पास, चेक इट आउट, वही पहले वाला फॉर्मूला यहां से भी आ जाएगा, यू विल अगेन गेट अंडर रूट आर जी टेन थीटा. तो अगर फ्रिक्शन जीरो भी हो जाए, हमें अब रिलाई नहीं कर रहे हम फ्रिक्शन के ऊपर, तो भी हम सेफ हैं. So this is the concept of banking of roots. ऐसे ही जो trains होती हैं उनकी जो rails होती हैं उसमें भी outer rail को bank किया होता है, outer rail को भी bank करते हैं. और जब हम cycle चलाते हैं, we also bend ourselves to certain angle with the vertical to provide ourselves the necessary centripetal force. और वो कितना angle होता है जिसके through हम अपने आप को tilt करते हैं, that is the same angle. Tan theta is v square over r. उतने ही एंगल के थ्रू हम अपने आप को भी टिल्ट करते हैं टू प्रोवाइड आवरसेल्फ नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टू टेक अ सर्कुलर टर्न. ठीक है, क्लियर. बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट व्हाइल नेगोशिएटिंग अ सर्कुलर टर्न, वो भी कर लेते हैं, सेम वे ही रिजॉल्व करना है हमने. शुड आई रब नाउ, कर लिया नोट, कर दू रब, रिद्धि डन. Bending of a cyclist. While negotiating a circular turn. Bending of a cyclist while negotiating a circular turn. तो ये suppose कर लो circular turn है और ये cyclist ने अपने आप को turn किया हुआ है, tilt किया हुआ है. ठीक है, to provide himself necessary centripetal force. ठीक है, तो what is the angle of tilt we are doing? कितने एंगल पे वो टिल्ट कर रहा है अपने आप, और ये व्हील जो है वो फोर्स लगा रहा है एफ, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लग रही है ग्राउंड पे, जो फोर्स है वो एफ है अगर बाय द साइकिल, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस एंगल पे लग रही है. रिजॉल्व रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, ये आर कॉस थीटा, दिस विल बी R sin theta, weight will be balancing in the downward direction. ये बिल्कुल वैसे ही हमारा डायग्राम बन गया फोर्सेस का. This is our free body diagram. ठीक है, अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है, R sin theta centripetal force दे रहा है, mv square over r बिल्कुल वैसे ही, और R cos theta mg को बैलेंस कर रहा है वेट को, बिल्कुल वही सेम इक्वेशन है जो हमने इग्नोरिंग फ्रिक्शन में किया था.
डिवाइड कर दो, एम कैंसल आर कैंसल, तो टेन थीटा इज वी स्क्वायर ओवर आर जी. तो एंगल एट विच ही शुड टिल्ट हिमसेल्फ वही सेम आ रहा है वी स्क्वायर ओवर आर जी. सो दिस इज द एंगल एट विच ही शुड टिल्ट हिमसेल्फ. Is that clear? नहीं, ये तो फोर्स वही है जो लगा रहा है ग्राउंड पे, वही है ग्राउंड पे जो फोर्स लग रहा है एक एंगल पे, फ्रिक्शन भी कह सकते हो आप इसको. ठीक है भाई, तो ये हमारा बैंकिंग ऑफ रोड्स का सारा कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, आर लॉज ऑफ मोशन थ्योरी इज ओवर नाउ बिकॉज दे हैव डिलीटेड सम टॉपिक्स, एंड हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम हम कर लेते हैं. ठीक है, हाँ जी, हाँ लिफ्ट वाला तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखा नहीं हुआ हुआ सिलेबस में, अगर आप कहते हो तो करवा देती. लिफ्ट वाला लिखा तो नहीं हुआ. सर्कुलर मोशन तो हमने उसमें ही कर लिया था प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद. कौन सा नहीं आना, कनेक्टेड मोशन बेसिकली काट दिया उन्होंने, और मोशन है ना वर्टिकल सर्कल. हाँ जी, हम एक आर्टिकल करने लगे फ्रिक्शन में भी उसके अंडर आ जाए, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम. वैसे मेंशन्ड नहीं है पर चलो कर लेते हैं. तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ये कार्ट है, हॉर्स आता है बनाना किसी को, जरूरत भी नहीं है. सपोज ये हॉर्स है, आता है किसी को बनाना तो आ जाओ बना दो. फोर्स के कोई नंबर नहीं है, मार्क करो फोर्सेस उसके मार्क्स है. देयर विल बी टेंशन इन द थ्रेड इक्वल एंड ऑपोजिट, फोर्स उसको पुल कर रहा है, रोप को काट भी कर रहा है. रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय वेट फॉर द कार्ट. फोर्स तो ह्यूमन बींग्स की तरह किसी एंगल पे फोर्स लगाता है अर्थ पे, इन टर्न उसको रिएक्शन मिलती है. सपोज दिस एंगल इज थीटा, रिजॉल्व दिस रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, दिस विल बी आवर साइन थीटा एंड दिस विल बी आवर कॉस थीटा, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज दिस डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन मोशन, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. तो ये हो गए इसके सारे फोर्सेस, देख लो एक बारी. तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन along the contact. बस अब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है और ये चेक करना है कि when the system will move. The system will move when the acceleration is positive. So we have to find the acceleration of the system. Our aim is to find acceleration of the system mainly. अब देखो पहले तो cancel out क्या क्या हो रहा है. वैसे इसमें हमें ऐसे ऐसे काटना नहीं चाहिए, but to make you understand I'm doing this. ये इसको balance कर देगा, ये इसको balance कर देगा. ये रिएक्शन इसका आंसर था, और हॉर्स का वेट भी तो बनाना है. हॉर्स का वेट एम जी इसको बैलेंस कर देगा. क्या बचा आपके पास, आर कॉस थीटा एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड हाउ विल यू राइट द इक्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. जैसे हमने आर्टवुड मशीन में लिखे थे वैसे इक्वेशन आती है ना बनानी, वो लिखो अब क्या आएगा. फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यही बनेगी ना नेट इक्वेशन. तो आपकी इक्वेशन बनी आर कॉस थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए. मास पूरे सिस्टम का लेना पड़ेगा, हॉर्स एंड कार्ट दोनों ही है, हमने एक सिस्टम लिया है. इज द इक्वेशन क्लियर, कोई डाउट यहां तक. सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आर कॉस थीटा माइनस एफ ओवर एम प्लस.
ये आ गई एक्सेल। Now the system will move if acceleration is positive. अभी acceleration positive कब होगी when this numerator is positive? ठीक है, that means when the horizontal component of normal reaction exceeds the force of friction. That is when the horizontal component of normal reaction exceeds the force of friction, then it will happen. So this is the condition ki hamara agar normal reaction ka component force of friction ko overcome kar lega, only then the system will move, otherwise no. So ye ho gaya horse and cart problem. ठीक है, केसेस इन अ लिफ्ट एज सच मेंशन्ड नहीं है वैसे, सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद कंकरेंट फोर्सेस, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आ गया सारा और बैंकिंग ऑफ रोड, बस इसमें एज सच केसेस इन अ लिफ्ट नहीं तो लिखा होता, रॉकेट प्रोपल्शन भी नहीं है, उसकी डेरिवेशन होती है. Yes, Yuvraj.